दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज आप लोगों का एग्ज़ाम पेट जो कि 24/8/2021 को जो संपन्न हुआ है उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं, जो कि लगभग में 100% शुद्धता के साथ प्रस्तुत की जा रही है। एक बार इसे आप लोग अवश्य देखें। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बसंत विशु होता है ये कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर दिया गया है 21 मार्च। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 मार्च। ब्लीचिंग पाउडर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो उसमें कुछ देश दिए गए थे जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, तो उसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मतलब ठोस चालक जो होते हैं उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो उसमें ऑप्शन थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? ठोस धारावाहक में जो चालक होता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा 21A। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 21A, अनुच्छेद 21A में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, इसका राइट आंसर क्या होगा? तुकाराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स पूछा गया था। एंटोनिम्स क्या होता है? समानार्थी, सॉरी यहां पे इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट वर्ड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ओपेक होगा। नेक्स्ट था सेनानिम ऑफ फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, और इसका सेनानिम क्या, यानी कि समानार्थी शब्द पॉपुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम जो थी वो कल्पना चावला थी, और दूसरी कौन है? श्रीषा बादल। राइट आंसर क्या होगा? श्रीषा बादल। नेक्स्ट, नितांत का पर्यायवाची है, नितांत का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, बाकी जो दो नदियां दी गई थी गोदावरी और कावेरी वो कहां से निकलती है? दक्षिण भारत की दो नदियां हैं, जबकि गंगा और यमुना जो हैं ये हिमालय से निकलने वाली दो नदियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बैंक दर का अर्थ है, इसका राइट ऑप्शन होगा देश के केंद्रीय, क्या होगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 40, इसी के अंतर्गत पंचायती राज की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है।
फेमा ये पूछा गया था, फेमा का फुल फॉर्म, तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 100 रुपये की नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होती है, आरबीआई के गवर्नर, या उसमें दिया गया था वित्त मंत्री, या वित्त सचिव, या राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरबीआई के गवर्नर। 100 रुपये की नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। अगर यहीं पे 1 रुपये की नोट पूछी जाती तो राइट आंसर क्या होता, वित्त सचिव। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसका राइट आंसर होगा 5। क्या होगा, 5। कौन कौन से, बिहार, दूसरा हो जाएगा भूटान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भिन्न को चुने, इसमें भिन्न चुनना था, जो भिन्न था पनीर, मक्खन, तेल और दही। देख लीजिए यहाँ पे पनीर है, मक्खन है, दही है, ये सब दुग्ध प्रोडक्ट हैं, जबकि तेल जो है अलग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेल। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी दूर संचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है, इसका राइट आंसर होगा रिलायंस जियो। जियो जो है वो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। खेतड़ी, राजस्थान में जो खेतड़ी नामक स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, और जस्ता, इसी तरह इसके जो ऑप्शन थे वहां पे दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तांबा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना ये किस नदी पे बनी हुई है, इसमें रावी था, ब्यास था, चेनाब और झेलम। राइट आंसर इसका क्या होगा, चेनाब। किस नदी पे बनी हुई है, चेनाब नदी पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट सोने में खरा सोना का प्रतिशत है, मतलब 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें परसेंटेज पूछा गया था शुद्ध सोने का कितना होता है, 75%, और 24 कैरेट में 100%। संतरे में बहुतायत होता है, संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य में लागू हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अगर यहीं पे ई कोर्ट की बात की जाती तो उसका राइट आंसर क्या होता, छत्तीसगढ़। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया था, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम था, किस मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, इसका वर्तमान में जो इस सदस्यों की संख्या अधिकतम है वो कितनी निर्धारित की गई है, 550। ठीक है, क्योंकि यहां से एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे अब उनको हटा दिया गया है, इसलिए जो कि 552 होती थी, तो अब ये कितनी बची है, 550 बची है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। इसका राइट आंसर क्या होगा, बुध होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें किसे किस रचना के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञानी, जिस प्रकार पक्षी संबंधित है वैसे नृविज्ञानी किससे संबंधित होंगे, मानव से। इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव, ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार होता है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी, उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के आधार पे जो संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई थी उसकी नींव रखी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मलयालम। और इसके अलावा यहाँ की आधिकारिक भाषा और कौन सी है? अंग्रेजी। तो वहाँ पे अंग्रेजी तो दिया नहीं गया था, कौन सी होती है? अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी नहीं था इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मलयालम। कोस्टारिका की राजधानी, कोस्टारिका की राजधानी क्या? संजोस। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आया था, आइए इसे थोड़ा देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। ये यहाँ पे था रूड, क्वेश्चन मार्क लगा तो यहाँ पे आप लोग एक्स लिख लेंगे, ठीक है। रूड पूरे पे था ऐसे, और ये 196 था, इज इक्वल टू था 72/56, ठीक है। ये स्क्वायर रूड पे इस पर लगा हुआ है एक्स पे, और रूड 196 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 14, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा? रूड एक्स। और ये 72 बाई कितना दिया गया? 56। 14 × 56 ये कट जाएगा, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 4 और ये 3×32, ठीक है, 18 आ जाएगा। अब रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 18। अब हमें निकालना किसका मान है? एक्स का। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, रूट एक्स, और रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 324, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 324। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश की इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। √5 − √3 = √5 + √3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कैसे की जाएगी एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। √5 − √3 √5 − + √3, इसका संयुग्मी से गुणा होता है तो हो जाएगा √5 − √3 √5 − √3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? √4 − √15। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षी। एकल का विलोम, एकल का विलोम क्या होगा? बहुल, एकल का विलोम होगा बाहुल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट और तिलक, तिलक के द्वारा पहले होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916 में, जो कि किस क्षेत्र में होती है? पुणे और महाराष्ट्र एरिया पूरा, ठीक है। जबकि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 2016 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जो कि संपूर्ण भारत में लागू होती है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये किस सूची में शामिल किए गए हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सूची। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, असम। कहाँ पे स्थित है, असम में। और नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूंजीवादी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता जो थी किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से। दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, इसका राइट आंसर क्या होगा, अहंकार। आगे बढ़ते हैं, सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए लॉन्च किया गया था, किस न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया था ये, सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। डोपिंग टेस्ट के मामले में किस भारतीय पहलवान को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसका राइट आंसर होगा सुमित मलिक, जो कि टोक्यो ओलंपिक जब शुरू होने वाला था उसी टाइम में इनको डोपिंग टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए और इन्हें 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, औरंगाबाद। और यहाँ पे एक मिलान करने के लिए आया था, तो ये ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज जो था ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ज्योतिबा फूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ है, थोड़े में बहुत कुछ कहना क्या कहलाता है, गागर में सागर भरना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बोल्ड परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी, ये राजस्थान के एक आदिवासी क्षेत्र में शुरू की गई थी, जो कि किससे संबंधित थी, बांस उत्पादन। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे देखते हैं, ठीक है, बस यहीं तक इसमें क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, और जो इसके हिंदी के, इंग्लिश के जो प्रश्न रह गए हैं और साथ में DI के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।